तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी। पुढची महत्त्वाची बातमी आहे, नाशिकमध्ये आयोजित एका स्केटिंग स्पर्धेचा नोंदणी अर्ज सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाल्यानंतर प्रशिक्षक, पालक आणि काही खेळाडूंमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रम अवस्थेची आणि एकूणच त्या स्पर्धेविषयी होत असलेल्या आरोप आणि वेगवेगळ्या चर्चांची। एकीकडे मुंबईच्या विरारमध्ये भारत सरकारच्या केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाशी आणि ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या देशातील स्केटिंग खेळाची सर्वोच्च संस्था मानल्या गेलेल्या रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि या संस्थेशी संलग्न स्केटिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रद्वारा राज्यस्तरीय स्पर्धा घेतली जाती आहे। या स्पर्धेत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील खेळाडू सहभागी झालेले असताना यातून राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचं नेतृत्व करणारे स्केटिंग खेळाडू निवडले जात असताना दुसरीकडे मात्र नाशिकमध्ये एक स्केटिंग स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून त्याचे नोंदणी अर्ज सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाल्यानंतर त्या स्पर्धेच्या वैधता आणि संलग्नीकरणाबाबत निरनिराळे प्रश्न पालक आणि खेळाडूंमधून उपस्थित केले जात असून पालकांनी अशा कुठल्याही स्पर्धा आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित आयोजक संस्थांचे क्रीडा मंत्रालयाशी असलेली प्रशासकीय संलग्नता सुनिश्चित करून मगच संबंधित जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयामार्फत पूर्व मान्यतेची प्रक्रिया राबवल्यानंतरच अशा कुठल्याही क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याची आणि संपन्न करण्याची रीतसर परवानगी दिली जावी आणि कुठल्याही असंलग्न अवैध स्पर्धेत सहभागी होऊन खेळाडू आणि पालकांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळले जावे यासाठी प्रशासनानं विशेष प्रयत्न करून काहीतरी विशिष्ट प्रक्रिया पद्धती राबवून ती अंमलात आणली जावी अशी मागणी सर्वसामान्यांमधून केली जाते आहे। दरम्यान नाशिकमधील त्या स्पर्धेचा आणि RSFI तसेच सॅम आणि NDRSA या संस्थांचा काहीही संबंध नसल्याचं राज्याचे अध्यक्ष PK सिंग यांनी स्पष्ट केलं असून नाशिकमधील पालकांनी देखील अशा कुठल्याही स्पर्धेत आपल्या पाल्यांना आणि खेळाडूंना सहभागी करण्यापूर्वी त्या आयोजक स्पर्धेची वैधता, मान्यता आदी सर्व बाबू नीट तपासूनच मगच आपल्या सत्सद्विवेकबुद्धीचा कौल घेऊन आपल्या पाल्याला त्यात सहभागी करावं अशी प्रक्रिया व्यक्त केली जाते। PK सिंग, प्रेसिडेंट ऑफ स्केटिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। हमारे पास में बहुत सारे फोन आए हैं अभी नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये जानने के लिए कि जो 6 नवंबर की रेस किसी ने ओलंपिक मिशन ओलंपिक के नाम से रखी है वो वैलिड है, उसके क्या वैल्यू है, ये सब जानने के लिए। तो मैं आपसे उस पहले ये बताना चाहूँगा कि इस रेस का जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नासिक में NDRSA और उससे या हमारी स्केटिंग एसोसिएशन महाराष्ट्र से कोई भी अथोराइजेशन नहीं है, कोई भी अप्रूवल नहीं है। और हम स्केटिंग एसोसिएशन महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र से अफिलेटेड हैं, रिकॉग्नाइज है, और हम फेडरेशन रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी अफिलेटेड है। और रोलर स्केटिंग फेडरेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उससे अथोराइज है और एफिलेटेड है। और साथ ही साथ जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी इसको वर्ल्ड स्केट है इसका नाम, उससे भी अथोराइज है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद में कुछ इतना ही कहना चाहूँगा सब लोगों से जो भी हमारे पास फोन किए हैं कि हमारा इस चैम्पियनशिप से कोई भी लेना देना। मिशन ओलंपिक जो स्केटिंग कंपटीशन है जो प्रावशी में होने वाले हैं वो अनऑथराइज मैचेस है जो कि फेडरेशन ही करता है, वो फेडरेशन के तरफ से ही होने चाहिए। ये अनऑथराइज मैचेस जो हो रहे हैं वो गलत है, इसलिए हम लोगों ने ये मैचेस नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा भी है जो नेशनल प्लेयर है, अभी तक वो नेशनल मेडलिस्ट है, वो फेडरेशन के तरफ से ही खेलता है और अथोराइज मैचेस ही खेलता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान देकर ये करना चाहिए कि जो मैचेस है वो अथोराइज होने चाहिए, और अगर किसी को इंक्वायरी करना है तो DSO ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकते हो, और हो सके तो ये मैचेस अनऑथराइज इसलिए बच्चों को ना खिलाए तो ही अच्छा है। तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी, जबाबदारी न्याय हक्काची।